गुड मॉर्निंग 11th क्लास, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.1 के सम को लगाएंगे। इसमें दिया है हमें स्टैटिस्टिक्स। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमें देखेंगे 15.1, जिसमें हमें फॉर्मूला दिया हुआ मीन डिवीजन और मीन निकालना है। तो मीन डिवीजन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड अपॉन में एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। और हम सिग्मा एक्स बार हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्स बार का फाइंड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। ओके स्टूडेंट, ये हमारा मीन डिवीजन जब हमको दिया होगा एक्स आई की वैल्यू। एक और मीन डिवीजन, और जब हमको फ्रीक्वेंसी दी गई हो तब हम एम डी का फॉर्मूला लगाएंगे। एम डी इज इक्वल टू मीन डिवीजन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड अपॉन में सिग्मा एफ। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा मीन डिवीजन का फॉर्मूला जब हमको फ्रीक्वेंसी दी गई हो, ये हम जब लगाएंगे जब हमको सिर्फ एक्स आई की वैल्यू दी गई हो। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको ये सिर्फ एक्स आई की वैल्यू दी थी। एक्स आई की वैल्यू 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 एक्स आई की वैल्यू दी गई थी। हमें मीन निकालना है और एम डी मीन डिवीजन निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम सिग्मा एक्स आई निकालेंगे। तो सिग्मा एक्स आई क्या होता है? इसका एडिशन। तो हम सबको ऐड कर लेंगे। तो जब हमने सबको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 18। ओके स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे मोड एक्स आई माइनस एक्स बार। मोड मीन्स होता है जो भी हमारी वैल्यू माइनस में आएगी वो क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। एक्स बार हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्स बार हम करेंगे फाइंड जो हमारा एक्स आई सिग्मा एक्स आई है उसमें एन का डिवाइड दें। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू फाइंड करी, एक्स आई सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू हमारे कितनी निकाली थी? 18 और एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एन हमारा है 8। तो इसमें हमने इस फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 18 और नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉल एन की वैल्यू हो जाएगी 8। तो 8 का 18 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा? 10 टाइम। तो सिग्मा एक्स बार, तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 10। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से हम निकालेंगे मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स आई यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस एक्स बार कितना है? 10। ये 10 निकाला तो जब इसे निकालेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, तो मॉड्स का हम निकालेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 17, ये हमारा 7 यहाँ का है, ये मॉड में माइनस का 10, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3। मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 3। इसलिए नेक्स्ट वाला है हमारा 8 माइनस 10, तो ये हमारा एक्स आई की वैल्यू माइनस एक्स बार माइनस का 10। तो माइनस 10 में से 8 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा और मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 2। इसी तरीके से हम ये वाला टर्म्स निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, तो यहाँ से माइनस 1 बचेगा तो मोड प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू हमारी ये 10 माइनस एक्स बार की वैल्यू प्लस माइनस का 10, तो ये 0, तो मोड 0 की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू प्लस का 2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम निकालेंगे, तो इसी तरीके से स्टूडेंट हम ये वाली टर्म्स निकालेंगे। ये हमारा 13 माइनस 10 मोड, तो माई प्लस का 3 आएगा तो मोड से निकलेगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा 17 माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस का 7, तो हम इसका सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड निकालेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें निकालना है एम डी मीन डिवीजन। तो मीन डिवीजन का हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार मोड अपॉन में स्मॉल एन। एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 24। तो प्लस का 24 रखा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 8 है, 8 का हम डिवाइड देंगे 24 में तो हमारा मेन डिवीजन कितना आ जाएगा? प्लस का 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो स्टूडेंट सेम ऐसी क्वेश्चन जैसा अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया, सेम सेकंड क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन लगाना है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट द मीडियन। ये हमारा कहा क्या था? मीन डिवीजन अबाउट द मीन था। अब हमें इसे निकालना है मीन डिवीजन अबाउट द मीडियन। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो इसमें से हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकंड क्वेश्चन आप लोग इसे ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम इसमें देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हम देखेंगे मीन डिवीजन अबाउट मीडियन के लिए, तो एम डी हमें निकालना है मीडियन के लिए। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा एक्स आई वार माइनस एम का मोड अपॉन में एन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा होता है एम।
एम हम किस तरीके से, इसे मीडियम होगा तो इस तरीके से कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारी अगर नंबर ऑफ स्टम्स हमारा ऑड होगा तो फॉर्मूला होगा एम इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू टर्म्स, और अगर हमारा एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होगा तो फॉर्मूला होगा एम इज इक्वल टू एन वाई टू टर्म्स प्लस एन वाई टू प्लस वन टर्म्स अपॉन में टू। तो इस तरीके से हम एम फाइंड करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें हम समझ में आएगा किस तरीके से कौन सी वैल्यू फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एक्स आई की वैल्यू दी गई थी ये, तो हमें सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू थी 13, 17, 16, 14, 11, 13, 12 एंड 10, 16, 11, 18 एंड 12 एंड 17। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, मीडियम में, मीडियम में हमें सबसे पहले इसको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे सबसे पहले लिख लिया, तो एक्स आई की वैल्यू असेंडिंग में कोई 10, 11, 2 टाइम 11, 12, 13, 2 टाइम 14, 16, 16, 17 और 18, ये हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया है। तो हम इसमें टर्म्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, n, n हमारा क्या आ रहा है, स्मॉल 10 जो आ रहा है इवन, इवन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इवन के लिए हम ये वाला m फाइंड करना है, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा m फाइंड किया, m होगा हमारा n अपॉन 2 प्लस n बाय 2 प्लस का 1 अपॉन 2, तो ये 12 का 2 से डिवाइड देंगे 6 आ जाएगा, 6 टर्म्स प्लस ये जाएगा 6 और प्लस 7, तो ये समझ 7 टर्म्स। तो हम इसमें से 6 और 7 टर्म्स, तो हमारा 6 टर्म्स था 13, 7 टर्म्स है 14, तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 6 टर्म 13 प्लस 14 अपॉन में 2, तो इसको हमने डिवाइड देंगे 27 का डिवाइड 2 का डिवाइड 27 में देंगे, तो एम एम आ जाएगा 13.5। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे, मॉड एक्स आई माइनस एम। ओके स्टूडेंट, तो हमारा एम फाइंड हो गया 13.5, तो हम निकालेंगे मॉड एस, तो इसकी हमारी एक्स आई की वैल्यू 10 है माइनस 13.5, तो इसमें से हम मॉड निकालेंगे तो माइनस का 3.5 बचेगा, तो मॉड से बाहर आएगा प्लस का 3.5। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम सेकंड निकालेंगे 11, तो हमारी 11 एक्स आई की वैल्यू माइनस एम, एम हमारा है 13.5, तो इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 2.5। तो इसी तरीके से हम सबका मॉड एक्स आई माइनस एम, ठीक है, तो सबका हमने ये निकाला, तो हमारी सबकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। ओके स्टूडेंट, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही सॉल्व किया। तो स्टूडेंट, ये सबकी वैल्यू हमने पहले ही से फाइंड करके रखी थी सॉल्व करके, तो इसलिए ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा टाइम लगता। तो इसे हमने सबको ऐड कर लिया, क्योंकि हमें सिग्मा एक्स आई माइनस एम का मॉड निकालना है, तो इसका मतलब हमें सबको प्लस, तो इन सबको हमने प्लस किया, तो हमारे पास आंसर आए 29। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास अब हम मीन का निकालेंगे, मीन डिवीजन मीडियन। ओके स्टूडेंट, तुम्हारे पास फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एम का मोड अपॉन में एन, तो एन, तो ये हमारा सिग्मा एक्स आई माइनस एम क्या है 29, स्मॉल एन हमारा टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, 12 का हम डिवाइड देंगे 29 में, हमारा आंसर आएगा 2.415। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या होगा, ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपका होमवर्क है, फोर्थ क्वेश्चन सेम इसी बेस पे हमें करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमें फिफ्थ और सिक्स सेम है, तो हमें इसमें निकालना है। तो हमें इसमें क्या दिया है, फिफ्थ में फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट द मीन एंड डाटा, जो हमको फ्रीक्वेंसी और एक्स आई दिया गया हो, फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो हमें मीन डिवीज़न निकालना है अबाउट मीन का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला होगा सिग्मा मीन डिवीज़न इक्वल टू सिग्मा एफ आई बार मोड एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड अपॉन में सिग्मा एफ। ओके स्टूडेंट, तो हम इसमें एक्स बार किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो एक्स बार हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स, तो हम इसे एफ आई एक्स आई लिखेंगे, और सिग्मा एफ आई का इसमें डिवाइड देंगे, तो इस तरीके से हम एक्स बार फाइंड करेंगे। तो सिंपल स्टूडेंट, इसे हम क्या लिखा, सबसे पहले जो हमें एक्स आई दिया गया था, तो एक्स आई हमने उतार लिया, फ्रीक्वेंसी दी गई थी एफ आई, तो इसे एफ आई मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, एफ इंटू एक्स, तो एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना है,
तो हमने इसका मल्टीप्लाई कराया था, 7 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे 35, 4 का 10 में 40, ये हो जाएगा हमारा 90, और ये हो जाएगा 60, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 125। तो हम इसमें सबसे पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, तो इनको हमने ऐड किया 50। ओके स्टूडेंट, तो हमारा सिग्मा एफ कितना आएगा 25। तुम लोग को अब लगाने की जरूरत थी, जब हम फोन लगा रहे थे तो क्यों नहीं लगाया था। हाँ यार, अब उठाएंगे तो पूरी हमारी वीडियो चली जाएगी। काटो जल्दी आपा, आपा जल्दी काटो, काट दिया आपा। तो स्टूडेंट हमारा एक्स वार हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ। तो एफ आई की वैल्यू 350 आई थी, ये हमारा 350 आई है, और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास 25 आई, से हम डिवाइड देंगे तो हमारा एक्स वार कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा एक्स आई माइनस एक्स वार का मोड। ओके स्टूडेंट, तो एक्स आई हमारा ये है, एक्स वार हमारा 14 आया, ये हमने 14 फाइंड किया। तो सबसे पहले हम इस टर्म्स के निकालेंगे, एक्स आई हमारा 5 माइनस 14, तो हमारा प्लस का 9 हो जाएगा, ये हमारा 10 है, एक्स आई की वैल्यू 10 और एक्स बार हमारा 14 है, तो इसे हम डिवाइड देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस टर्म्स को भी सॉल्व कर लिया, तो हमारा 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये हमारा 1 होगा, ये 6 आ जाएगा, ये हमारा 11। ओके स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स वार, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स का मॉड। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, तो इसको हम फाइंड करेंगे, तो इसमें हमने क्या फाइंड करा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करा, एफ आई का और इस वाले टर्म्स का। तो 7 का 9 में मल्टीप्लाई 63, 4 का 4 में मल्टीप्लाई कराया 16, 6 का 1 में मल्टीप्लाई कराया 6, 3 का 6 में मल्टीप्लाई 18, 5 का 11 में मल्टीप्लाई कराया तो 55। तो हम इसका सबको सम कर लेंगे, तो हमारे पास सिग्मा एफ इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड हो जाएगा। तो जब सबको ऐड करेंगे तो हमारा 87 कितना आ जाएगा, 158। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल, अब हमको मीन डिवीज़न निकालना है, अबाउट मीन। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा एफ आई इंटू मोड एक्स आई माइनस एक्स बार और अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास सिग्मा इसकी वैल्यू क्या आई थी, 158, तो हमने इसमें 158 पुट कर दिया, और अपॉन में 25 का हम इसमें डिवाइड देंगे 158 में, तो हमारे पास MD मीन डिवीज़न अबाउट मीडियन, सॉरी अबाउट मीन का हमारा आंसर आ जाएगा 6.32। ओके स्टूडेंट, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी बेस पे स्टूडेंट हमें इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमको फाइंड करना है, तो इस वाले एक्सरसाइज को आप लोग ट्राई करेंगे, बाकी अपन बाद में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।